सभी को मेरा प्रणाम। मैं मोहित धर्मई। आज हम GIZ के साथ कम्युनिटी बोलने पे आज हम यहाँ कैंप कर रहे हैं। तो आप कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ शायद नहीं जानते होंगे। हम पंकज नेगी जी की टीम में काम करते हैं। पंकज नेगी जी से ही हमने प्रूनिंग सारी सीखी है और अपने बगीचे में हम लोगों ने किस तरह से उसको अप्लाई किया है, क्या छोटी छोटी बारीकियाँ हैं प्रूनिंग की, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। क्योंकि जब आपने पेड़ लगाया है, सबसे पहला काम है उस पेड़ को एक डिजाइड, उसकी हाइट, उसका क्या साइज़ होना चाहिए, और जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो आपकी इसमें टोटल प्रोडक्शन कितनी आनी चाहिए। क्योंकि हम बहुत सारे बगीचों में जा रहे हैं, पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं, 30-30 पेटी वाले पेड़ भी हैं, पर उसमें 5-7 पेटी प्रोडक्शन ले रहे हैं और बहुत सारे लोग उसमें सेटिस्फाइड है। हम बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि आपकी इस ऑर्चर्ड में कितने प्रोडक्शन होती है, वो बोलते हैं जी हमारे इसमें इतनी पेटियाँ होती है। उसके हिसाब से जब हम खुद कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे हिसाब से 20-30%। क्योंकि उन लोगों को खुद नहीं पता है कि इस पेड़ की कितनी कैपेसिटी है। वो क्यों पता नहीं है? क्योंकि उसमें उस तरह से बीमे तैयार नहीं हुए हैं, उस तरह से उसकी कैनोपी मैनेजमेंट नहीं है। क्योंकि प्रूनिंग क्या है? प्रूनिंग एक रास्ता है धूप को अंदर पहुंचाने का। दूसरा, जो भी आपका कट लगता है, जो भी आप प्रूनिंग का कट लगाते हो, वो रास्ता है न्यूट्रिशन का। जो सैप आपका चलता है वो न्यूट्रिशन लेके चलता है पेड़ में। वो सैप कहाँ जाएगा? वो ग्रोथ की तरफ जाएगा, बीमे की तरफ जाएगा, फ्रूट साइज की तरफ जाएगा। वो कहाँ जाएगा वो आपकी प्रूनिंग डिसाइड करेगी। आप कोई भी कट लगाते हैं उससे आपका, अगर मैंने ये कट यहाँ ऐसे लगाया है तो मैंने रास्ता बना दिया इसका कि यहाँ से ये ग्रोथ करेगा। तो ये जो आपका यहाँ पे फ्रूट होगा वो उसकी तरफ को खुराक नहीं जाएगी, वो ग्रोथ की तरफ को जाएगी। तो ये हमें पहले समझना है कि जब हमारा पेड़ पूरा तैयार हो गया है उसके बाद हमने कैनोपी को कैसे मैनेज करना है, न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज करना है, ताकि वो वेस्ट वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ ना जाए। क्योंकि हमें कहाँ ग्रोथ चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है, ये हमें समझना होगा। क्योंकि जो ग्रोथ है आपकी वो क्या है, आपकी पूरी जितनी खुराक आपने दी है उसको लेके चलती है। तो हम कम से कम ऐसी ग्रोथ को लें जो हमें बाद में सर्दियों में काटनी ना पड़े। क्योंकि वो ग्रोथ क्या है? वो खुराक है जो पूरी साल हमने मेहनत की है, खाद, गोबर, जो भी हमने मिट्टी में डाला है, वो सारी वो खुराक है जो ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो उस ग्रोथ को हमने प्रोडक्टिव बनाना है, उसको बीमे की तरफ लेके जाना है, फ्रूट शेप, साइज, हर चीज़ की तरफ लेके जाना है। क्योंकि जब आपकी प्रूनिंग सही होगी तो आप ये मान के चलिए आपका 50% बगीचे का काम खत्म हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या है, हमारे बीमा नहीं बन रहा है। बीमा बन रहा है तो एक साल फसल आती है, दूसरी साल नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि वो खुराक कहाँ जा रही है? वो ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो एक प्लांट का बैलेंस ग्रोथ और बीमे में कितना होना चाहिए, ये प्रूनिंग है बड़े पेड़ में। छोटे पेड़ में आपको उसकी कैसी कैनोपी बनानी है वो हम आपको कोशिश करेंगे बताने की। जो भी बारीकियां मैंने, मेरे को सबसे ज़्यादा फायदा पंकज नेगी जी के साथ रहने से ये हुआ है कि मैं हर वक्त उनके साथ रहा हूं, तो अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग, क्योंकि हर इंसान गलतियां अपने हिसाब से कर रहा है, अच्छाई भी, अच्छे जो काम कर रहा है वो भी अपने हिसाब से करता है। हर जितने फार्मर्स हम सब डॉक्टर हैं अपने बगीचे के, है ना जी। गलतियां भी करेंगे तो हम अपने हिसाब से, मैं भी गलती करूंगा, पर उसको सुधारना कैसे है वो सबसे बड़ी मास्टरी, वो हम सीखते हैं। आज भी हम कैंप्स में जाते हैं, हम क्या सीख रहे हैं कि अगर कोई चीज़ गलत है तो उस गलत को सही कैसे करना है, वो परफेक्शन है। तो परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता है, पर सीखना है एक दूसरे से। जो भी होगी, मुझ में कुछ कमियां हैं वो मैं आपसे सीखूंगा, मुझ में कुछ अच्छी चीज़ें जो मैंने है, मुझे जानता हूँ, अपने बगीचे में अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी प्रैक्टिस जो अपने ऑर्चर्ड में कर रहे हैं आज में, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमने सीखी है। तो जो प्रूनिंग है, जब आपका पेड़ तैयार हो गया है, ये वाला जो हम पेड़ अगर हम ले रहे हैं, तो इसमें आप देखिए कि आपने अगर तो इसको यहाँ से आगे बढ़ाना है, सबसे पहली बात है कि पेड़ को हमने कहाँ लेके जाना है, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। एक तो जी ऐसा कट नहीं लगाना है इसमें, जब भी आप कहीं से भी उसको रोकना चाहेंगे ना जी, जो आपका सीधा टहना है, कोशिश ये रहे कि जब भी वो रुके वो टहना सीधा ही रहे, इस तरह से कट उसमें ना लगे बेंच का। ये देखिए अंदर को सूखने लग गया, ये फिर कैंकर तैयार कर देता है अंदर को। और अभी आपका क्या है, ये वाली जो भी आपका मेन टहना लेके चलेंगे आप, और वहाँ से ये टहना है ना जी, इसका मेन ये है, ये और ये नहीं है, तो आपने इसकी ग्रोथ को थोड़े थोड़े चलाए रखना है, इसकी ग्रोथ को पूरा बंद नहीं करना है जी कभी भी। इसको आपको रोटेट कर, अगर आपको लगता है कि मेरे पास जगह इतनी है तो ये आपको लगता है यहाँ पहुँच गया, उसके बाद आप वापस पीछे आके किसी ऐसी बंद आंख से इसको उसी डायरेक्शन में काटिए, ताकि ये ग्रोथ थोड़ी थोड़ी चलती रहे। बाकी अब इसमें देख लिया आपकी बीमे बहुत अच्छे बने हुए हैं, हमने इसमें क्या करना है, अब बीमों की छंटाई करनी है कि कितने बीमे मुझे इस साल के लिए चाहिए, कितने बीमे मेरे अगले साल के लिए बनने चाहिए। क्योंकि इस साल के बीमे तो आपको सबको दिख रहे हैं अच्छे बीमे, है ना, तो अगले साल के लिए मेरे कौन से बीमे होंगे जो तैयार होंगे, ये देखिए आप यहाँ पे, ये बीमा मेरे को इस साल फसल देगा जी,
ये अगर मैं इतने बीमे इस टहनी पे रखूंगा तो ये ना मेरे को साइज दे पाएगा ना मेरे को अगले साल का बीमा दे पाएगा। तो इसको हमने बैलेंस करना है। ये बीमा में दो बीमे हैं, ये मैंने रख दिए इस साल के फ्रूट के लिए। आगे यहाँ पे रिंग है जी, ये बीमे तैयार होंगे मेरे उससे अगले साल के लिए। ये होगी दो साल की प्रूनिंग एक साथ में। प्रूनिंग क्या है, दो साल की प्रूनिंग को साथ में लेके चलना। इस साल के बीमे तो सबको दिख रहे हैं, अगर आप सब छोड़ देंगे तो सब में सेब लगेंगे, उससे अगले साल क्या लगेगा उसमें, वो हमने सोच के चलना है, वो प्रूनिंग। आपने मैंने ये अगले साल के लिए कर दिया, ये साल के हो गए। बस आपने इसमें बाकी बीमों की छंटाई करनी है, कितनी आपके बीमे बन चुके हैं उस हिसाब से आपने इसको बस छांटते चलना है। ये देखिए जी, आपको कितनी फसल चाहिए उस हिसाब से आपने बीमे रखने। आपको लग रहा है कि देखो दो चार पाँच इतने बीमे आपको बहुत लग रहा है, आपको लग रहा है कि दो यहाँ हो गए, ये अगले साल को बन गया, ये मैं रख लेता हूँ, ये मेरा अगले साल के लिए और बन गया। आपने इस तरह से, और बीमा कैसे बनाना है, रिंग से। आपके रिंग्स बने होंगे इसमें कहीं ना कहीं, या आप ऐसे कमजोर टहनी पे डाल के इसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। पर ये जैसे दो साल की टहनी होगी ना जी, ये पहली थी आपने कट किया, फिर ये आ गई, अब इसको आप बीमे से कहीं से भी काट सकते हैं। और ये वाली जितनी टहनी है इनको आपने पीछे लेके आना है इस तरह से। आपकी जितनी भी कैनोपी तैयार होगी ना जी, जितना आपका बीमा बनेगा ना जी, वो इस एरिया में चाहिए आपको, इस एरिया। इसको बाहर बाहर की तरफ नहीं ले जाना। अगर आप इसको बाहर ले जाएंगे ना, जब ये ऊपर वाला भी ऐसे ऐसे फैलेगा तो आपकी धूप जो है वो नीचे तक नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से आपके एक साल सेब तो लग जाएंगे पर दूसरी साल का बीमा तैयार नहीं होगा, क्योंकि वहाँ को धूप नहीं पहुँच रही। तो आपने इसको पीछे पीछे लेके जाना है। अब इसमें देख लीजिए आप, इसमें यहाँ बीमा है, यहाँ बीमा है, यहाँ भी बीमा है। ये मैंने अगले साल का हो गया जी, ये इस साल के बीमे हो गए। यहाँ भी ऐसे ही करना है जी, आप ये देखिए, ये मेरे बीमे हो गए इस साल के लिए, ये अगले साल का मेरा बीमा तैयार होगा। अब यहाँ से आगे मेरे को इसमें बहुत बीमों की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको पीछे लेके जाना, हमने इसको ज्यादा आगे लेके नहीं जाना। अब आप जहाँ बीमा तैयार हो गया है, हम अब आजकल जहाँ पहले प्रूनिंग कैंप्स हमने किए हैं, जहाँ हमने लोगों को ये बताया कि बीमा कैसे तैयार करना है, आज वो लोग दो तीन साल के बाद आज वो उलझ गए। अब उनको लगता है कि बीमा तो बन गया, इसमें बहुत फसल लग गई जी, साइज नहीं बन रहा। अब आपका काम क्या है, हमने बीमे को कितना बीमा रखना है और नया बीमा कैसे तैयार करना है। एक साल में ही हमने सारे बीमे नहीं रखने, अगले साल के लिए नया बीमा भी कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए आपके पास जब बीमा बन गया, रिंग्स ही रिंग्स होते हैं, आप रिंग के ऊपर से काटो, नया बीमा वहीं से तैयार होता रहेगा। इस साल के लिए आपने लिमिटेड बीमा रखना है, क्योंकि ओवर क्रॉप नहीं लेनी है एक साल में, प्लांट का बैलेंस बनाना है हर साल की फसल लेने का। और बाकी जब बीमे बन गए आपने बस अपने धूप के रास्ते बनाने हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे पीछे करने हैं सारे टाइम। इसमें भी अगर आप ये लेकर चल रहे तो इसको ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से काट दूँ, इसको अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो इसको चलाइए, इसको पीछे कर दीजिए, इसको वहाँ रोकना है जहाँ आपको लगे कि ये मेरे दूसरे पेड़ के ऊपर जा रहा है। और ऐसा कट आपने बीमे के ऊपर, इसको बेंच कट बो रहे जो मैं वहाँ बो रहा था, ये आपने कहाँ मारना है जहाँ आपने ग्रोथ बंद करनी, क्योंकि ये मेरे को ये टहना यहाँ से आगे नहीं चाहिए, इस पे जा रहा नहीं, ये आगे नहीं चाहिए। पर आपका जो मेन टहना चलेगा उस पे टहना आपका हमेशा सीधा जाना चाहिए, उस पे आपने ऐसे बेंच कट नहीं करना है कभी भी। इसको भी ये देखो लटक रहा है जी नीचे को, इसको भी कहीं इस साल की आप बीमे देख लो, बाकी इसको पीछे के लिए रोक दो जी, ताकि ये वाली आँखें इसकी जो है ना जी ये खुले। जितना इसके नज़दीक में बीमा होगा जी, उतने आपकी फ्रूट क्वालिटी अच्छी होगी, उतना आपका साइज अच्छा होगा और हर साल का बीमा तैयार होगा। क्योंकि सैप जब चलता है वो इसमें आएगा, इससे आगे जाएगा, आगे से आगे नहीं लेके जाना है। या आपने इसके जितना आप बीमा सोच रहे हो कि मेरा यहाँ से आगे इतनी टहनी थी, ये वाली टहनी हमने यहाँ से निकाली, अगर आप ये सोचते हैं कि जी ये टहनी थी मेरे पास, यहाँ इतने बीमे थे, ये बीमे जो है आपने वो यहाँ तैयार करने हैं इसके नज़दीक में। क्योंकि अगर आप यही बीमा यहाँ तैयार करेंगे तो आपकी फ्रूट क्वालिटी इससे जो साइज यहाँ होगा उससे बेहतर होगी वहाँ पर, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन सबसे पहले मिलेगा। तो इसीलिए कोशिश ये करनी है जो बीमा हम आगे आगे को लेके जा रहे हो, आगे आगे ना होते हुए पीछे मेन टहनी में हमारे चलता रहे। क्योंकि इससे क्या होगा, नहीं जो आप स्प्रे जो हम कर रहे हैं, जो भी हम खाद डाल रहे हैं, वो खुराक सबसे पहले इसमें आ रही है, उसी से हमने इस पे लेनी है जो सबसे नज़दीक होगा। आप बहुत सारे टहनों में ये हार्वेस्टिंग के टाइम में आपने कभी ऐसे अपने बगीचे पे घूमते हो तो आपने ये देखना है कि मेरे एक ही टहने पे लार्ज का दाना भी होता है, सिक्स लेयर का दाना भी होता है। वो क्यों होता है, थोड़ा फर्क तो हमारी फ्लारिंग का होता है जी, फर्स्ट फ्लारिंग है, थर्ड फ्लारिंग है। थर्ड फ्लारिंग का जो सेब होगा वो छोटा होगा, ऑटोमेटिकली छोटा होगा, क्योंकि उसका फूल 10-15 दिन बाद खिला है। पर इतना फर्क नहीं हो सकता कि एक लार्ज हो जाए और एक सिक्स लेयर हो, इतना फर्क नहीं हो सकता। वो फर्क क्यों है, आप जब जहां भी आपके लार्ज या मीडियम के दाने होंगे, आप कोशिश कीजिए
एक पेड़ में दो दाने अगर आपको लाज के मिलते हैं, उन दानों को बांधिए लाल धागे से, किसी चीज से बांध के रखिए, और सर्दी में आप उसको देखिए, अलग अलग पेड़ों में 10 जगह उसको बांध दीजिए, और उसको सर्दी में आके देखिए कि जो मैंने लाल धागे बांधे वो मेरे लाज के दाने वाला बीमा है। तो सर्दी में आपने उसको आके देखना ये कहाँ बांधा हुआ है मैंने, और ये बीमा कौन सा था जिसमें लाज बन गया। स्प्रे आपने सब पूरे पेड़ में बराबर की, खाद पूरे तौली में बराबर डाली, तो इतना फर्क कैसे आ गया कि एक लार्ज बन गया एक सिक्स लेयर बन गया। वो फर्क कहाँ है कि हमारा न्यूट्रिशन कहाँ पर नहीं पहुँच रहा प्रॉपर, जहाँ नहीं पहुँचा ना जी वहीं छोटा रह गया। तो हमने जब अगर आपको वो समझ आ गया कि ये बीमा मेरे यहाँ पे था, मतलब कि वो मेन टहने के नज़दीक था, नीचे को लटका था, इस तरफ था, वो आपने अपने बगीचे में खुद जज करना है। जब आपको वो बीमा समझ आ जाएगा ना जी, ये बीमा था, इसने मेरे को बड़े बड़े सेब दिए, इस पेड़ में भी वैसा था, उस पर भी वैसा था, तो आपने वो वाला बीमा बनाने की कोशिश कर ली। तो ये हमने खुद अपने बगीचों पे ट्रायल किए, पंकज नेगी जी ने हमारे को ये प्रैक्टिकली बताया, अपने बगीचे पे जाओ और बांध के आओ इसे, लाज के दान दाने जहाँ जाए जितने बांध सकता है एक दिन में बांध के। तो मैंने 40-45 लाल धागे बांध दिए जी। उस टाइम तो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि पत्तियाँ बहुत होती है, बीमा समझ नहीं आएगा जी कैसा है। तो सर्दियों में मैं भूल गया, उसके बाद सर्दियों में जाके बोला कि अब उसको देख लाल धागे कहाँ बांधे हुए थे। फिर मैं देखने गया, बोलते कहाँ है वो, मैंने कहा जी वो तो सारे इसके नज़दीक वाले। तो बोलते हमने रखना कौन सा है बीमा, तो लाल जब पता है अब तो खुद बांधा हुआ है ना जी अपने हाथ से, अब पता है कि ये वाला धागा मैंने बांधा तो ये बीमा था वो जिसने बड़ा सेब दिया। तो हमने बीमा बनाना कौन सा है, वो वाला। तो वो समझाने के लिए मेरे को एक वो एग्जाम्पल दिया कि इस तरह से करेगा तो अपने बगीचे में समझ आए। तो हमने वो कोशिश करनी है कि इसके नज़दीक में जितना बीमा हो उतना बेहतर है। अभी देखो ये बीमे सारे आगे चले गए जी, यहाँ पे बीमे नहीं है जी, और जितना इससे आप पीछे को ये वाली आंखें खुलेगी ना जी, जितना बीमा इसमें होगा ये होगा आपकी बेस्ट क्वालिटी फ्रूट देने वाला। तो हमने कोशिश इसको बंद क्यों करना है, ताकि आगे को ना जाए बीमे, अब ये पीछे वाली आंखें खुले, इसमें आपने बस इसको बैलेंस करना है, इतने बीमे नहीं रखने की है फिर आगे को आपको अगले साल को फसल दे ही ना पाए, इसका बैलेंस आपने बनाना है। ये आपके हाथ में है कि आप इस साल कितनी फसल चाहते हैं उतना बीमा रखना, बाकी उसको रिंग कर करके पीछे, और इसकी जब ग्रोथ अब बंद होगी तो अपने आप ये पीछे वाली आंखें इसकी खुलेगी, और आपने और पीछे आना है इसमें, फिर यहाँ आ जाइए जब ये वाली इधर भी बीमे बनेंगे आपने और पीछे आना है। तो एट लास्ट आपने पूरे पेड़ को जो हम कॉलमनर बोलते हैं ना जी, एक ही टहने पे पूरा बीमा तैयार करना है, वो आपने हर टहने पे बनाना है। जब आपके पूरे पेड़ पे इसी तरह के टहने होंगे तो पूरी धूप वहाँ से इस टहने पे पूरी धूप पड़ेगी। अभी मैंने इसको देखो पीछे क्या है जी, अगर आपकी वहाँ से धूप आती है ना जी तो इस टहने को भी मिलेगी, जब ये लंबे थे ये टहने तो उसको तो धूप मिल ही नहीं रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारे जो अल्टरनेट बियरिंग आती है वो इसका सबसे बड़ा कारण, इस क्योंकि धूप नहीं पहुंच रही है जी, ये धूप रोक रहा है इसकी, एक साल सेब लगता है दूसरे साल सेब नहीं लगता। दूसरा जब धूप नहीं लगती तो बीमारियां लगती है जी, क्योंकि पत्ता सूख ही नहीं पा रहा है आपका, मार्सोनिना अल्टरनेरिया जितनी स्कैब जितनी बीमारियाँ हैं ये क्यों है, क्योंकि वहाँ धूप नहीं पहुँच रही। तो प्रूनिंग अगर आपको समझ आ गई एक बार कि हमने पेड़ को कैसे बनाना है, कैसे इसमें धूप पहुँचानी है, अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपके 50% चीज़ें खत्म होगी, आपकी दवाइयों का खर्चा आधा हो गया, आपके न्यूट्रिशन का खर्चा आधा हो गया, क्योंकि वो धूप जो काम करती है वो कोई नहीं कर सकता। तो प्रूनिंग सबसे बड़ा कंसेप्ट जो है प्रूनिंग में, धूप को अंदर पहुंचाना। दूसरा जो भी आप कट करो आपको पता हो ये मैंने कट किया है तो मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरे को पता है मैंने इसको, मेरे को यहाँ से ग्रोथ नहीं चाहिए, इन बीमों मेरे सेब लगेंगे, ये पीछे की आंखें खुलेंगे। तो यही जब आप समझ जाएंगे तो कि आपने पेड़ को किस तरह से बनाना है और किसकी कैनोपी को हमने कहाँ पहुँचाना है, ये देखिए। बाकी तो जब तो बीमा आपका तैयार हो गया फिर आपने सिर्फ छंटाई करनी है कि मेरे को इस साल के लिए कितने बीमे चाहिए और अगले साल को मेरा कितना बीमा नया तैयार होगा। ये सब आपके अब तैयार हो चुके हैं, आपने बस इस साल की क्रॉप को देखते हुए, ये देखिए इस जितनी टिप्पे हैं ये सब आपने, और इसमें आपको समझना होगा थोड़ा, जब एक साल हमारी फसल लगती है वो अंदर के बीमों में लगती है, लोग बोलते हैं ना अल्टरनेट बियरिंग होगी जी, इसमें अंदर के बीमों में सेब लगाई, देखो इसमें सेब लगा था जी, अरे इसमें सेब लगा थे। दूसरी साल जब आपको लगता है कि मेरी ऑफ ईयर है, उस साल आपने ये वाली पिंस 6-8 इंच तक की जितनी भी पिंस है ये सब ऑन टॉप छोड़ देनी, क्योंकि प्लांट ये होता है नया, ये जो जितनी भी टहनियाँ निकली है ये नया बीमा है सारा जी, ये इसमें जितनी भी खुराक गई वो इसी को गई है, इस बीमे में जहाँ सेब लगा था ना जी उस बीमे की आधी खुराक वो सेब लेके गया है जी, क्योंकि जब सेब था तो आधी खुराक उसने खाई है, उसके बाद जो आप पोस्ट हार्वेस्ट जो हम करते हैं वो खुराक जाती है फिर हमारी उस बीमे में,
तो जो ये होता है ये होता है बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि इसकी खुराक किसी ने नहीं ली होती, ये पूरी साल भर फ्री होता है। तो आपने क्या करना है, जिस साल आपको लगे कि मेरे साल बहुत सेब लगे हुए थे, अगले साल के लिए मेरा बीमा एग्जॉस्ट है, आप क्योंकि आदमी को टेंशन तो है ही है कि इस बीमे में सेब लगा था, अगले साल पता नहीं ये सेब देगा कि नहीं, देखने में तो मोटा लगे, उस साल आपने कोशिश क्या करनी है, ये वाली पिन जितनी आप छोड़ सकते हैं उतनी आप ये सारी पिने छोड़ दीजिए। हमारा मानना अपना ये है जी कि हर साल अगर आप ये पिन छोड़ते हैं आपकी 40-50% क्रॉप इन पिन में आती है। तो एक साल आपने इसमें फसल लेनी है, ये झुक जाएगा, इसमें फसल लगेगी जी, अगले साल ये झुकेगा, ये सारी आंखें पीछे की खुल जाएगी, ये बीमे बनने दा शुरू हो, अगले साल आप उसमें लीजिए। जब आप अब देख लीजिए, अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूँ ना जी, यहाँ से इसमें यहाँ पे सेब लगा, अगले साल ये बीमे बनेंगे, फिर उसको मैं बीमे से अगले साल वो जो बीमा अगर मैं उसको बीमे से काटता हूँ जहाँ मैंने बंद किया है, ये देख लीजिए, अगर मान के चलिए ये है जी, ये मैंने बीमे से बंद, यहाँ से क्या होगी, बीमा सेब लगेगा, यहाँ से ऐसी पिन निकलेगी जैसे ये पिन है, उस साल आपने वो दूसरी पिन छोड़नी। तो ये रोटेशन है पेड़ का, एक साल अंदर के बीमों में सेब लेना है, दूसरी साल इन पिनों में सेब लेना, ये आपने समझ लेना है कि जिस साल आपकी ऑफ ईयर हो, आपको लगे कि अगले साल मेरे कम फसल लगने वाली है, उस साल आपकी जितनी ये पिन होगी 8 इंच, इवन हम तो 10 इंच तक भी छोड़ देते, अगर आपका लीफ फॉल नहीं हुआ है अर्ली, आपके पत्ते बचे हुए थे हार्वेस्टिंग तक, तो आप 10 इंच तक की पिने भी छोड़ देंगे ना जी, ऐसी लंबी लंबी, तो आपको 50% क्रॉप इसमें आनी आनी है, बाकी कहीं ना कहीं अंदर का भी नया बीमा बना होता है उसमें भी क्रॉप आएगी। आपकी क्रॉप 100% क्रॉप नहीं चाहिए हमारे को, एक साल 80%, एक साल 60%, ये क्रॉप अगर आप चलाते रहेंगे तो आप एक सक्सेसफुल फार्मर हो गए, क्योंकि हम क्या है, एक साल आती है हमारी 100%, क्योंकि बम्पर क्रॉप लगी जी, 100% हुआ कोई बीमा ही नहीं बचा अगले साल, दूसरी साल आ गए जब 20%, हमारे खर्चे तो रुकने वाले नहीं है, तो इसीलिए अगर आप 60-80 इसमें चलते रहेंगे तो हम एक किसान, हमारी जो बागवानी है तभी चलती रहेगी, वरना हमारे को बकाया लगने वाला है। तो आपने सबसे पहला काम यही करना है कि पहले जी धूप को अंदर पहुंचाओ, और दूसरा ये समझो कि ये बीमा मेरे को इस साल का फसल दे रहा है, और अगली साल का बीमा मेरे को कैसे बनाना है वो आपने समझ लेना। तो इस साल का बीमा आपके पास बहुत अच्छा है, आपके यहाँ पे धूप अच्छी लगती है, जहाँ धूप पहुँच रही है वहाँ देखिए बीमा, यहाँ सेब लगा था यहाँ बीमा अच्छा बना है, यहाँ भी बीमा बना है, आपके पास बीमे ही बीमे, बस आपने इसको रोकना है पीछे पीछे, आगे नहीं जाना आपने, इसमें इसको बैलेंस करना आप, क्योंकि क्रॉप तो आनी है, पर आपने अब फ्रूट साइज है, शेप है, वो सब आपकी प्रूनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी छंटाई करनी है बस आपने बीमों की, ये बीमे ज्यादा नहीं रखने जी, क्योंकि नहीं तो सारी खुराक आपके जो है नहीं, ये देखो ये वाला पोर्शन आपका पूरा खाली है, ये क्यों खाली था, क्योंकि वो आगे आगे को जा रहे हैं ना, ये टेन ये देखो ये कहाँ पहुंच गया, ये टेन ये नहीं चाहिए हमारे को, ये जो बीमा था ना जी ये हमारे को यहाँ चाहिए, और ये कब फटेगा, जब हम इसकी ये वाली ग्रोथ बंद करेंगे, ये जो ग्रोथ थी ना जी यहाँ से बाहर आ रही है, ये बाहर जब आप इसको पीछे रोकेंगे ना जी तब ये जोर मारेगा, इसमें वो सैप आएगा, सेप क्या है, पिस्टन की तरह काम करता है पेड़ में, जड़ों ने लिया पूरे फोर्स से आता है जी, ऊपर तक जाता है, ऊपर से वापस आता है, तो वो जब सेप यहाँ रुक गया, क्योंकि यहाँ मैं अगर इस तरह कट करूंगा ना तो ये सेप यहाँ से बाहर जाएगा, उसको रास्ता मिल गया ग्रोथ में देगा, जब हमने इसको बंद किया है तो फोर्स कहाँ करेगा वो इसमें, तब इसमें जान पड़ेगी अंदर से, जहाँ भी इसमें आँख होगी ना कहीं जी वहाँ से फटनी शुरू होगी, तो ये भरना है हमने, इसीलिए हमने इसको पीछे पीछे को रोकना, हमने प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि हमारी इसको आगे से काटने से प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, पर हमारे को इसमें लेना है, इसमें हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी, धूप भी अंदर तक जाएगी, हर साल फसल भी आएगी, इसमें हमारे जितने कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे जब हम एक बार प्रूनिंग सीख लेंगे कि हमने इस टहने पे बीमा बनाना और इतने नज़दीक बीमा बनाना, तो ये समझना सबसे ज़रूरी है, आपने हर टहने को इसी तरह से ट्रेन करना है। ये बीमा है जी, ये अगले साल के लिए मैंने रिंग मार दिया जी यहाँ पे, ये मेरे इस साल हो गया जी, बस आपने इसमें कुछ नहीं, अब जी बीमों की छंटाई करनी है कि मेरे इस साल के बीमे बहुत हो गए, अब मेरे को अगले साल के लिए भी बीमा बनता रहे, ऐसे नहीं करना है जी इसको, अगर आप इस टहने को आगे ले जा रहे हैं ना जी, तो ये टहना इधर जा रहा है, ये टहनी भी इधर जा रही है, तो आपने इस टहनी पे डालना है इसको, ऐसे चलाना है इसको आगे,
ऐसे बेंच कट करके जो आपका मेन होगा वो आपका सीधा जाना चाहिए हमेशा। अगर आपको लगे कि 3 साल बाद ये लंबा चला गया पर मेरे को पीछे आना है तो पीछे भी मैं इसी टहनी में आऊंगा, किसी बंद आंख को देखूंगा, ये देख लीजिए ये बंद है ना जी आंख, तो मैं जब मेरे को इसको रोकना होगा ना जी कि मेरे को और पीछे आना है बहुत आगे चला गया, तो मैं ऐसे करूंगा ताकि ये आंख सीधी इसी डायरेक्शन में जाए, बेंच कट करके ना जाए। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि यहां से रोक दूं इसको, ऐसे जो मेन है उसको ऐसे बेंच कट करके कौन से रोकने जो आपके साइड के, वरना ये आपके पेपरी बार अंदर से सड़ान शुरू कर देते हैं ये टहने में, इससे आपके पेपरी बार के भी आएगा अंदर को सैप को भी रोकेगा, जब सड़नी शुरू होगी लकड़ी तो अंदर सैप रुकता है, सैप रुकेगा तो पूरा न्यूट्रिशन आपके पहुंचेगा नहीं सेब को जो हमारे को देना है। बस इसमें आपके बस यही काम है जी, अभी जो ये पेड़ है हम इसको उसी तरह से करते हैं जैसा ये बना हुआ है जी, कि मेरे को इसमें कितने बीमे अगले साल के लिए चाहिए और कितने मेरे को नए बनाने हैं। और ये मेरा अपना मानना, जैसे आपकी कल में आप लोग इसकी प्रूनिंग करते हो आजकल? नहीं, मेरा अपना मानना है जी मैं भी नहीं करता इसकी प्रूनिंग, अगर मैं इसको प्रून करूंगा ना जी अभी क्योंकि गंदा दिखता है ना जी इसे अंदर, तो हम क्या करते हैं इसको आजकल प्रूनिंग करते हैं, मैं इसको ऐसे काटूंगा यहाँ से। तो पॉलिनाइजर्स क्या है, ये जितने ज्यादा हमारे बगीचे में उसके लिए हम बोल रहे जी पेड़ लगाओ कल में करो, और जो लगी हम उसकी प्रूनिंग कर देते, तो अगर इसमें प्रूनिंग नहीं करता तो इसने अगर मान के चलिए इस कलम को हम ले लेते हैं ना जी आजकल में, इसमें अगर मेरे को 200 फूल मिल रहे हैं तो प्रूनिंग करूंगा इसमें मैं 50 फूल रखूंगा, 150 फूल तो मैंने काट दिया, फिर हम बोल रहे हैं जी पॉलिनेटर लगाओ। तो इसकी प्रूनिंग हम कब करते हैं, क्योंकि हम कलमों को ऑलमोस्ट 90% झाड़ देते हैं फ्रूट सेटिंग के बाद, फ्रूट थिनिंग करते हैं जी उसकी, एक एक रखते हैं, उस टाइम हमने पहला काम क्या करता है सेब झाड़ने से पहले हम क्या करते हैं, पहले उसकी प्रूनिंग करते हैं, जो हमने सर्दियों में काटने थे ना टहने उसको हम उस टाइम पे काटेंगे, उसके बाद उसमें फ्रूट थिनिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास 150 फूल तो एक ही कलम से एक्स्ट्रा मिल गया, जिस कलम बोल रहे कि एक्स्ट्रा एक पेड़ लगाना है, आप उस टाइम पे जब उसकी फ्रूट थिनिंग करोगे उसी टाइम उसकी प्रूनिंग करिए, क्योंकि अगर इसमें 150 फूल ज्यादा यहाँ रहेगा 150 वहाँ रहेगा ऑटोमेटिकली आपको पॉलिनेशन ज्यादा मिलेगा। मतलब ये मेरा अपना कंसेप्ट है कि हम इसको उसी टाइम पे काटें जब हम फ्रूट थिनिंग करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेशन, ये गंदा दिख रहा है, गंदे दिखने से किसी ने कुछ नहीं लेना है, पहला काम है सेब लगना, और जब वो सेब लग गया फिर आप इसको काटो, क्योंकि जब सेब लगता है उसके बाद तसल्ली होती है, तब पता है आप जेब में पैसा आ जाएगा है ना जी। पहला काम, सबसे पहला काम है सेब लगना, वो कैसे लगाना है वो सबसे बड़ी मेहनत है, उसके लिए हम पिंक बर्ड पे 5-5 दवाइयों के घोल भी डाल देते हैं, जो दवाई वाले ने बोला ये भी डाल देते, 5-5 दवाइयां करते जी, वो डर के मारे करते क्योंकि अब क्या होगा, अब तो इसने तो कर दी स्प्रे, इसने तो वो भी डाला, वो टॉनिक भी डाला, या NPK भी डाला, वो बहुत कुछ दवाइयाँ नहीं मार्केट, वो डर के मारे कर रहे हैं, वो जो स्प्रे करनी है आप वो आप पोस्ट हार्वेस्ट करो, बाकी अगर आपकी प्रूनिंग सही है धूप सही पहुंचनी है तो आपका बीमा बनेगा ही बनेगा अगले साल का। अगर नहीं बना है, किसी को लग रहा है मेरे एग्जॉस्ट हो गया, ये जितनी पिने हैं ये सब आपने छोड़ देनी, 40-50% क्रॉप आपको आएगी ही आएगी, आप इसको खुद चेक कर लीजिए। तो बस इसमें तो कंसेप्ट यही है जी, बस इसको आप पीछे पीछे लाओ जी। किसी के कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, कहीं किसी को कुछ डाउट लगता है, क्योंकि ये वाला पेड़ इसमें बीमा बना हुआ है जी, इसको हम इस तरह से काट रहे हैं, कोई दूसरा पेड़ करेंगे जिसमें बीमा नहीं बना है उसको हम कैसे काटेंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है जी। बाकी आपने इसको इस तरह से ही काटना है, ये देखिए जी यहाँ पे रिंग बना है, ये अगले साल को मेरे को बीमे देगा, ये मेरे इस साल का बीमा हो गया। इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, इस टहने को पीछे करना है, उसको भी थोड़ा सा पीछे करना है, बस वो आगे चलते रहने, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा ये नीचे की धूप रोकेगा, वो धूप नहीं रुकने देनी है। हम बोलते हैं छोटी में तो बहुत अच्छा सेब बना है जी, क्योंकि वहाँ धूप मिल रही है, वो धूप हमने यहाँ पहुँचानी है। जिस दिन हम ये समझ गए कि हमारे अगर 100 पेटी होती है ना जी, 100 पेटी में जिस दिन हमने 80 पेटी ए ग्रेड निकाल दी ना सुप्रीम, उस दिन हम पैसे कमाना शुरू कर दिए। वो सुप्रीम कैसे बनेगी, हम यहाँ पे 100 पेटी का लॉट बनाते हैं जी, आदमी उसमें 3-3 ग्रेड निकाल रहा है, 1.5 नंबर, 1.5 नंबर, लेस कलर, ये वो क्यों निकल रहा है, वरना पेड़ तो कलम तो ऊपर भी वही है। लोग बोल रहे वेराइटी डिटोरेट होगी, जो रॉयल तो खराब हो गया, हमारे को तो नहीं लगता जी रॉयल खराब हो गया, तनु भाई को तो नहीं लगता कि रॉयल खराब हो गया, दिसंबर तक बेच रहे हैं रॉयल,
हमारे को तो नहीं लगा कभी रॉयल खराब हो। जब वो चोटी में क्वालिटी दे रहा तो यहाँ क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हम यहाँ धूप ही नहीं पहुँचा रहे, हमने तो झाड़ बना दिया इसे। आप इसमें धूप यहाँ पहुँचाओ ना, जो धूप आप चोटी पे ले रहे हो वो धूप यहाँ पहुँचाओ, फिर देखो आप क्वालिटी क्यों नहीं बनती। आपको फालतू स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी, आपकी बीमारियां नहीं लगेगी, नहीं क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा काम होगा खर्चे को बचाना। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे सर्कल में भी है, 80% के ऊपर तो खर्चा है बगीचे में, 20% नहीं बचा रहे हम उसको, तो फिर क्या, फिर क्या किसानी करेंगे? हमने सोचा होता भी सेब लगे, पैसे तो आए भी नहीं, उससे पहले तो हमने सोच लिया सीजन के बाद हमने ये करना है वो करना है, खर्चे तो पहले फरवरी वो बढ़ने भी ऊपर ही है, तो हमने इनकम को हमने कैसे बचाना है उसका सबसे पहला प्रोनिंग से ही आपने आधे खर्चों को कम करना है। इस धूप को हम जितना यूज कर सकते हैं उतना ज्यादा इस पेड़ में यूज करना है। प्रोनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वहां से धूप लगे तो ऊपर भी अगर टहने हैं तो मेरे निचले वाले टहने तक वो पहुंचे, तब आप वो 100 में 80% ए ग्रेड निकाल पाएंगे। जिस दिन वो 80% ए ग्रेड निकलेगा ना जी, उस दिन आपके जेब में पैसा जाएगा। अगर हम पहला लॉट ए ग्रेड का सुप्रीम लॉट जो हमारा होता है अगर हम उसको 2000 बेचते हैं ना, सावा नंबर हम 1600-1700 बेचते हैं, तो फिर क्या पैसे कमाएंगे? क्योंकि उसमें 100 पेटी में 40 पेटी 50 पेटी तो हमने सावा नंबर 1.5 नंबर निकाल दी, तो पैसा कहाँ बना? तो उसी सेब को हमने 1 नंबर बनाना है, उसका पहला स्टेप है प्रूनिंग। ये प्रूनिंग है जिससे हमने धूप अंदर पहुँचानी है। धूप के लिए आपको इनको टहनों को पीछे करना पड़ेगा, और जितना पीछे करेंगे उतना इसमें बीमा फटेगा, और जितने इसमें बीमा फटेगा उतना आपकी फ्रूट क्वालिटी साइज शेप शेप में भी फर्क पड़ेगा। सिर्फ मैं साइज और बीमे की बात नहीं कर रहा, शेप में भी आप फर्क देखना। बहुत सारे पेड़ों में आपको दिखता होगा कुछ सेब ऐसे होते इतने लंबे लंबे होते, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसको पहला न्यूट्रिशन मिलता है, पहली खुराक मिलती है, तो पहली धार की चीज तो हमेशा स्ट्रांग ही रहती है, वो सबको पता है, तो इसीलिए वही लेना हमने पहला वाला जो है ना। तो इसीलिए जितनी भी आपकी प्रोनिंग हो वो सब ऐसे सारे टहने आपने इसी तरह से पीछे 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 को लाने। बीमा इसमें बहुत बढ़िया बना है, बीमे की कोई कमी नहीं है इसमें, आपकी सिर्फ बीमे की छंटाई करनी है, धूप अंदर पहुंचे। बाकी कोई दूसरा पेड़ देखते हैं जी जिसको ग्रोथ वाला, हाँ छोटे पेड़ के कैसे तैयार करना है? पेड़ दिखाओ, वो कराओ। तो लाइक ये इस को ऑन टॉप छोड़ेंगे चलेगा? ऑन टॉप, ऑन टॉप नहीं है जो ये किया ना हेड बैग, हाँ जी हाँ जी ये चलेगा? ये जो आपने ये है ना जी, ये चला के रखना आपने। अच्छा, जो आप टहना, हाँ जो आपने टहना पकड़ लिया ना जी, ये मैंने पकड़ लिया, ये मेरा इसका मेन है, यहाँ से आपने लेना है कि ये मेरा मेन है जी, यहाँ से, क्योंकि बड़े पेड़ों पे नहीं आप वैसे बना सकेंगे जैसे हम नए पेड़, इसमें तो टहने बन चुके हैं, इसमें मोटे कट लेके पीछे भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी प्रोडक्शन मर जाएगी। पहला काम है प्रोडक्शन देखना इस साल के, आपने हर टहना ये मेन लेके चले, ये भी मेन लेके चलना, इस टहना इसमें जो ये लिया ना आपने, इसमें इसकी ग्रोथ रोकनी, इसको अपन टॉप छोड़ सकते हैं, उसको नहीं छोड़ना, उसकी ग्रोथ को चलाते रहना थोड़ा थोड़ा, आपकी ग्रोथ कम करना है, कम करना है ताकि वो ज्यादा ग्रो ना करे, सैप पीछे को आए, जितना आप उसको ज्यादा करेंगे फिर वो ग्रोथ की तरफ भागेगा, वहीं से वो पीछे की खुराक खींच लेगा सारी, उसको हल्का टॉप करना है, वो ग्रोथ चला के रखनी है, ये वाली ग्रोथ बंद करनी है अंदर की सारी, जितनी आपकी यहाँ वाली अंदर में बेंच कट भी चलेगा, अंदर चले ये बेंच कट चलेगी, मेन में नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ को रोकने के 2-3 ही हुए हैं। एक तो पुरानी वुड पे बीमा बना है, जैसे हमने ये पुरानी होगी ना जी लकड़ी, 3-4 साल की टहनी है, इसको आप कहीं भी बेंच कट कर दो ये अपने आप रुक जाएगा, रिंग कट कर दो अपने आप रुक जाएगा, अनटॉप छोड़ दो पिन होगी कहीं, मैं इस पे छोड़ दूं यहाँ पे काट कैसे कैसे अपने आप ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ को रोकने के 3-4 तरीके हैं, बस वही तरीके आपने देखने की, मैंने बंद करनी इसकी ग्रोथ वहाँ लेते रहे, और ये भी हमने ऑब्जर्व किया है जब आपके पूरे पेड़ की ऐसे हम ग्रोथ अगर बंद कर दे तो आपके साइज में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, आपकी ग्रोथ हल्की फुल्की ऊपर टॉप में कहीं ना कहीं चलते रहनी चाहिए, अंदर वाटर शूट फटते रहने चाहिए, जब ये चीजें बंद हो गई ना जी फिर आपको साइज की इशू शुरू हो गई। ठीक, इस पे आपने थोड़ा सर सुमित भाई एक क्वेश्चन है, हाँ जी, इसमें कितना पीछे आ सकते हैं? इसमें भैया आपका जो अंगूठे का साइज है ना जी, इसमें तो आराम से आप जब दिल करे आप तब आ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई टहना मेरी बहुत धूप रोक रहा है, कि एक टहने को निकालने से मेरे नीचे के 3 टहने को धूप मिल रही है, तो आप थोड़े इतने मोटे में भी जा सकते हैं। मेरा अपना मानना है इतने पेड़ में जी मैं इतने इतने 3 टहने निकाल देता हूँ, अगर मेरे को लगे कि मेरे एक टहने निकालने से मेरे नीचे के 4 टहनों को धूप मिल रही है,
तो मैं रेट लगा देता हूँ, वरना जो इतना टहन है उतने में हम यहाँ तक आ जाते हैं। अगर वो कब आना है आपने ये देखना है कि मेरे पीछे बीमा है भी है कि नहीं, इस साल का एक ही साथ नहीं आना आपने फिर पीछे, क्योंकि पहले तो इस साल की फसल देखनी है ना। अगर आपको लगता है पीछे का बीमा नहीं बना हुआ है तो आपने पहले साल यहाँ आ जाओ, आप देख लो कि ये मेरे को इस साल दे देंगे सेम, अगली साल आप यहाँ आ जाओ, धीरे धीरे करके आपने इसके 8-10 इंच के दायरे में आ जाना, क्योंकि बहुत मोटे में पीछे नहीं आ सकता, धीरे धीरे कर। सबसे पहला देखना है बीमा इस साल, जैसे आगे बीमा बना हुआ है ना, पीछे शूट्स है ना वो ज्यादा विग्रस तो नहीं हो जाएंगे ग्रोथ, वो जैसे आप पीछे धीरे तभी तो धीरे धीरे आना पीछे, जो तो है अभी तो ये वाले बीमे मजबूत, अगर मैं यहाँ आता हूँ ना जी तो इसमें ये मेरे को अगर सेब दे रहा है मेरे को पता श्योर शॉट बीमा है तो ही मैं यहाँ आऊंगा, क्योंकि जब इसमें वहाँ सेब लगेगा तभी वो ग्रोथ को रोक पाएगा, अगर वो सेब नहीं देगा तो ग्रोथ में भागेगा, फिर आपको क्या करना अगले साल उनको ऑन टॉप छोड़ना पड़ेगा, तो वो देखना है कि मेरे पास जहाँ मजबूत बीमा हो वहीं पे पीछे आना आपने, ताकि वो वहाँ से ग्रोथ ना ले, क्योंकि जब सेब लग खाने वाला चाहिए कोई, जब सेब लग गया तो वो सारी खुराक खा रहा है तो वो ग्रोथ की तरफ नहीं जा निकलेगी तो इतनी तिप्पी नहीं निकलेगी बस, तब आपकी ऑटोमेटिकली ग्रोथ रुक जाएगी। आपके लग गया यहाँ सेब लग गया है ना, ये जो यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा आप, और इधर भी बीमे कहीं ना कहीं फटेंगे पीछे, अब ये हो गया पुराना, ये देखो 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पांचवी, अब तो इसमें कहीं भी बीमा फट जाए उस बीमे से इसको काट देंगे ना, ये ग्रोथ नहीं लेगा, इसमें आएगी तो इतनी पिन नहीं आएगी, मतलब ये रिंग है ये, मतलब ये तो रिंग है, ये तो शोर शॉर्ट रिंग है, ये शोर शॉर्ट रिंग है, इसमें कहीं भी आप जहाँ तो बीमा एक बार बनने लग गया ना जी वहाँ तो रिंग ही रिंग बनने, और ना भी हो क्योंकि बहुत सारी टहनियाँ ऐसी होती है जहाँ आपको कुछ नहीं दिखता, मान के चलो ये टहनी होती है और इसमें मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है कि बीमा यहाँ आगे बन गया और इधर कहीं बीमा नहीं है ना रिंग है, तो पुरानी जो टहनी है ना जी 2-3 साल की जो टहनी उसको आप कहीं से भी काट दो ऐसे सब छोड़ के, उसमें अगले साल को तो बीमा नहीं बनेगा, तीसरी साल को बीमा बनेगा, उसके बाद हमेशा बनता रहेगा। तो जब आपको लगे कि मेरे ये टहना है यहाँ से इतनी बाहर ही मेरे बीमे बने हुए पर इसमें अंदर को बीमा नहीं है, तो आप कहीं भी उसमें इतना सा स्टब अंदर से कहीं से भी काट दो पुरानी टहनी, वो अपने आप आपको तीसरी साल के लिए मजबूत बीमा देगा और हमेशा का बीमा देगा, वो खत्म नहीं होगा। अच्छा एक दिक्कत और है मोहित भाई, जैसे हम रिंग ये काट लिया ना, मान लो रिंग काट लिया, बीस से ही काट लिया, हाँ जी, तो दो आती है स्ट्रॉन्ग सी आती है ना, उनको निकालना है, उनको कब निकालना है? उसमें से एक निकालना है। अच्छा अगर दो आ गई तीन भी आती है कहीं, बहुत ग्रोथ में प्लांट हो तो तीन भी आ जाती है, तो उसमें आपने तीन में सबसे कमजोर जो है ना, अच्छा वो रखनी है, दो काट वाला, दो काट सबसे कमजोर वाली छोड़नी, सर्दियों वाली वो सर्दियों में, ठीक है, सबसे कमजोर वाली छोड़नी दो, ऊपर से टेंडर शीट छोटा कर लेते इसका आपने जब भी आप नया पेड़ जब भी काटते हो पहला कट जब भी लगे वो 2.5 फुट के आसपास में, क्योंकि 2.5 फुट पे कट लगेगा उसके नीचे से भी एक दो टहनी निकलेगी, तो आपने कोशिश करनी है कि घुटने के साइज से नीचे टहनी ना हो, क्योंकि वो बीमारियों को दस्तक देगी। ये रॉयल का पेड़ है, इस पर है, अच्छा रॉयल है, तो आपके पास जगह है, आपने बड़ा बनाना है अभी तो पेड़ को। पहला काम जी जब भी आप नए पेड़ की प्रूनिंग करते हैं वो प्रूनिंग शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए इस पेड़ को मैंने कहाँ पहुँचाना है, कि मेरा दूसरा पेड़ कहाँ लगा है और इसके पास कितनी जगह है। अगर इस पेड़ को मेरे को बड़ा बनाना है, मान के चलो वो पेड़ आपका लगा है ना जी, तो मान के चले 8-9 फुट के आसपास इसमें डिस्टेंस हो गया ना जी, इतना तो 8-10 भी होगा, 10 फुट के आसपास, तो इसके पास 5 फुट की जगह है, तो 5 फुट के लिए मेरे को इसको अभी चलाना है, तो अभी इसमें बीमा कहीं नहीं बना है ना, तो इसको ये वाले अंदर वाले जितने शूट है आपने इसको ऐसे काटना है, ऐसे नहीं काटना है जी, जैसे यहाँ से मारते हैं ना जी इसमें, ऐसे नहीं मारना जी इसमें, अगर आप इसमें अंदर वाले शूट में ऐसे मारेंगे ना जी, ये जितनी आँखें हैं ना डबल ग्रोथ करेगी, तो आपने इसको काटना कहाँ से है, ये नीचे से इतना से टूट छोड़ जहाँ ये आँखें बंद हो गई, ये आँख है ना जिसमें, ये देखो ये आँख है, ये आँख है, ये आँख है, इसके नीचे कोई आँख नहीं है, जहाँ आँखें बंद होगी वहाँ से आपने इसको काटना है, यहाँ से
तब इसमें कैसे निकलेगा, ये देखो जैसा यहाँ निकला, ये पिछले साल भी ऐसे ही लगा था कट, ये देखो इसमें छोटी सी पिन निकली ना, ये बीमा बनेगी। इसको भी हमने ऐसे ही काटा, यहाँ से पिन निकलेगी इसमें, तब बीमा बनेगा। अगर इसको मैं इतने स्टंप पे काटता ना जी, इसने फिर इसमें वो ग्रोथ छोड़नी थी, यहाँ से उसने ग्रोथ लेनी थी तो फिर ये मर जाना था। ये है हमारे पास अभी, इसने हमने इसको आगे लेके जाना है। आपने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना, यहाँ नहीं आना आपने, आप इसको अभी यहाँ काटो, क्योंकि आपको अभी ग्रोथ की टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें बीमा नहीं है। आपको हार्ड प्रूनिंग कब करनी है, जब बीमा बन जाता है। जब बीमा बन गया, क्योंकि खुराक ले रहा है बीमा, तो फिर वो ग्रोथ की तरफ नहीं जाने देगा पेड़ को। तो इसीलिए आप इसको अभी, अगर आपके 4 फुट की ग्रोथ है तो आप इसको 3 फुट रख सकते हैं, अगली साल ये 3 फुट और बढ़ेगा। आपने हार्ड प्रूनिंग तब करते लानी पीछे को, जब इसमें बीमा बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खुराक वो लेगा। इसमें आपके टहने बहुत बढ़िया निकले हुए, एक से बस दूसरा नहीं बनाना आपने। बस इसको ऐसे सिंगल सिंगल लेते चलना है जी आपने, जैसे आप चला रहे हो अभी। वैसे नॉर्मली आप देखो ना, यहाँ से यहाँ काटते थे, ये फिर भी इतना बढ़ रहा है, क्योंकि इसको भी खाने वाला कुछ है नहीं। रॉयल है तो बहुत कम जल्दी फसल नहीं आने वाली, तो आप इसको भी थोड़ा ऐसे काटो जी। ये अभी और अगली साल भी 3-4 फुट बढ़ना है, तो इसको जितनी जल्दी इसका आप स्पेस पूरा कर सकते हैं उतना जल्दी पूरा करो। जितनी ग्रोथ आई है उसको यूज करना है, उसको काटना नहीं है जी, क्योंकि हार्ड अभी काटने की इसको जरूरत नहीं है। जितना आप हार्ड काटोगे उतने आपके साल वेस्ट होंगे। बस जी हो गया नाम, हमारे एक और बीमारी लगती है ना नीचे। जैसे हम वेट कर रहे हैं, चलो ये तो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ये देगा कुछ नहीं, और उसके बाद ये वापिस हो जाएगा, तो हम मारे जाते हैं निचली से ना जी, जड़ में जड़ गलन लग गया, कभी कुछ लग गया, ये भयानक समस्या। ये ऐसा है ना जी, जड़ गलन जो है, रूट रॉट जो बीमारी है ना, हाँ जी हाँ जी, वो ऐसा नहीं है कि फिर एक ही जगह होगी, अच्छा वो फैलती है आपकी मिट्टी में। अच्छा वो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरे पेड़ सूखने लगे, ये अगर यहाँ पे रूट रॉट लगेगा ना जी, तो अगली साल वो उसमें और उसमें भी लगेगा। यहाँ से है ना जी मॉइस्चर जाएगा, मॉइस्चर ऐसा नहीं जाएगा, मॉइस्चर जाएगा ऐसे, पानी गिराएंगे ना जी वैसे फैलता हो जाएगा नीचे। तो ये फंगस जो है ना, रूट रॉट फंगस, ये पानी के साथ ही जाएगा, जितनी बीमारी हो पानी के साथ फैलेगी। तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, ये पूरे बगीचे कैसे लेते जाएगा। वो बीमारी शुरू कैसे होती है, शुरू होती है जी जब पानी रुकता है, जब पानी आपका तने के पास रुक गया ना जी। क्योंकि क्या हुआ कि 2010-11 के दौरान में जब 1-2 साल सूखा पड़ा ना जी, बहुत सारे लोगों ने तौलिए सीधे करने शुरू कर दिए। पहले हम ये नाली बनाते थे, अब आपको आधे बगीचों में नाली नहीं मिलेगी। लोगों को क्या लगता है, सूखा पड़ता है जी, सूखे के लिए हमारे को क्या है, वो बंद कर देना, वो नाली चाहिए नहीं, ताकि जितना पानी आए वो हमारे वहाँ रुके, पर वैसा नहीं है जी। हमारे को पेड़ को पानी उतना चाहिए जितना वो गिरा और नीचे चला गया। ऐसा नहीं है कि आपने तने के पास भर के रखा, रात को भरा पानी जी, ये वो इतना डीप लगाई जी, भर के रखी, सुबह तक ये नीचे जाएगा, वो बीमारी को घर करेगा। तो इसीलिए ये वाला आपका पानी हमेशा निकलते रहना चाहिए। दूसरा, आपके पीछे जब तौलिए बनाते हैं, तौलिया भी थोड़ा ऊंचा ऐसे बने ना जी, पीछे वाला भी पानी जो ऊपर की यहाँ वाली जो बीमारी है उस पेड़ के पास जब जाएगी ना जी, वो इसीलिए वो पहले ऐसे उठाते थे उन तौलियों, पीछे होती थी नाली बनी हुई है, हाँ जी, ताकि वो वहाँ से उधर से बाहर निकल के आगे चला जाए। आपने जो पानी को रुकने नहीं देना, तब वो बीमारी अपने आप खत्म होगी। अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके और इलाज है जी, आप ट्राइकोडर्मा ड्रेंचिंग कर सकते हैं, सबसे सस्ते इलाज जो है वो, एक बार बनाना है 10 बार चलेगा पूरी साल के। तो वो आप, अगर आपको लगता है कि इन इस पोर्शन पे मेरे पेड़ नहीं चल रहे हैं, तो आप ट्राइकोडर्मा कल्चर बनाओ। जीवामृत तो बहुत लोग सुना ही होगा, आजकल बहुत चल रहा है, जीवामृत बनाया जी उसने, उसमें मार्केट से खरीद के ट्राइकोडर्मा लाया, वो डालना। दूसरा, अपने खेत की मिट्टी ज़रूर डालनी, क्योंकि जो ट्राइकोडर्मा है ना जी, ट्राइकोडर्मा क्या है, वो उस रूट रॉट के फंगस को खाता है, उसमें चिपकता है, उसको खा लेता है। और जो ट्राइकोडर्मा वो बना है गुजरात में, कोई बना है बॉम्बे में, यहाँ के क्लाइमेट की जो बीमारी है ना जी, उसको खाने वाला कौन है, यहीं के क्लाइमेट में पैदा हुआ हुआ वो गुजरात वाला जो ट्राइकोडर्मा है ना जी, वो इस टेम्परेचर में जी नहीं सकता। अभी सर्दियाँ पड़ने वाली है, माइनस में टेम्परेचर जाएगा, जम जाती है मिट्टी, वो तो मर जाता, वो तो काम ही नहीं करेगा यहाँ। तो वो लेना है आपने, वो ट्राइकोडर्मा वो मॉडर्न लेना है आपने, सजेड़ा भी लेते हैं जी हम, यीस्ट लेते हैं जैसे, वो हो गया। असली ट्राइकोडर्मा कौन सा बनाना है आपने, जो अपनी मिट्टी का होगा जी आपका। वो मिट्टी कहाँ से लेनी है, तौलिए से नहीं लेनी,
क्योंकि इसमें हमने खादे खुदे डाली होती इसमें मर जाते वो आपने लेनी धड़ी से मेंढ से कहीं से जहाँ आपकी खाद नहीं पड़ती स्प्रे नहीं जाती वहां से आपने इतनी मिट्टी उठानी है जी उस ड्रम में डालनी। अब जो ट्राइकोडर्मा में हमारे अपना भी था ना नहीं है तो है मिट्टी में हमारे है पर जहाँ हम खाद डाले वहाँ खत्म हो गए उस ट्राइकोडर्मा को अब हमने तैयार करना है लाखों करोड़ों की इसमें वो उस ड्रम में आपने मिट्टी डालनी है उससे वो तैयार होगा। नॉर्मली जिस पोर्शन में आपको लगता है कि यार मेरी बीमारी लग रही है पेड़ नहीं चलते उसकी आप वो 10 दिन में ट्राइकोडर्मा तैयार हो जाता है। हर 15 दिन में उसकी ड्रेंचिंग करो हर 15 दिन में ड्रेंचिंग करो एक साल खत्म ही हो जाएगा। गोबर के गड्ढे आपके बनाए हैं गोबर इकट्ठा कर उसमें भी जब आप कल्चर बनाते हैं 20 लीटर की बाल्टी उस गोबर में भी डाल दो वो गोबर आप सर्दी में जब डालेंगे वो पूरा ट्राइकोडर्मा आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। वो ट्राइकोडर्मा आप एक बार कल्चर बनाते हैं ना जी उसमें अगली बार के लिए बस 20 लीटर छोड़ना है पानी से भरना है गुड़ बेसन कुछ भी ऐसी कोई 1-2 किलो डालना है वो अपने आप तैयार होगा। उसमें आपको नया खरीद के ट्राइकोडर्मा लाने की जरूरत नहीं है वो आप 6-7 बार एक साल में जितनी बार है वो सिर्फ गुड़ और बेसन से ही चलेगा आपका 10 दिन में तैयार हो जाता है। वो आप मतलब कि समझोगे वो गुड़ 20 रुपये का भी लगाना है जी आपका 20 रुपये में आपका ड्रम तैयार हो रहा है आपको ट्राइकोडर्मा खरीद के लाने की जरूरत नहीं है एक साल तक। सर्दियों में आप जब एक बार लगा कि सर्दियाँ टेम्परेचर डाउन हो गया उसके बाद आप मार्च में फरवरी में आप दोबारा बनाएंगे फिर आप नया ट्राइकोडर्मा लाओ अपनी मिट्टी भी डालो जीव अमृत बनाओ उसको तैयार करो। जो है डाउटफुल है आपको कि ये पेड़ हमारे मर रहे हैं तो वो उससे ट्रीट होंगे ऐसा कोई बीमारी नहीं है जी जिसका हम इलाज नहीं कर सकते। इलाज है पर उसमें टाइम लगता है हम हर 15 दिन में स्प्रे करते हैं जी क्योंकि इसमें धूप भी लग रही है हवा भी लग रही है सब लग रहा है उसके बाद हमारे पत्ते नहीं बच पाते तो सोचो कितनी बीमारियां लग रही है। हाँ जी। मिट्टी में हम सोचते हैं हमने एक बार डाल दिया अरे मैंने तो ड्रेंचिंग की तो रूट रॉट खत्म ही नहीं वो भी कैसे खत्म होगा जी। हर दवाई जो आपने दवाई डाली उसका एक पीरियड है हर दवाई ने 10 से 15 दिन काम करना 15 दिन के बाद दवाई ने असर करना खत्म कर दिया उसके बाद हमने कुछ नहीं डाला बीमारी वापस आ गई। बीमारी तो मॉइस्चर के साथ आनी है ना जी दवाई डाली आपने उसने यहाँ तक चली गई वो यहाँ तक का फंगस तो खत्म कर दिया 15 दिन के बाद वो दवाई का असर खत्म हुआ वो बीमारी उधर है उसने तो बढ़ना है ना जी उसको मॉइस्चर मिलेगा वो बढ़ेगी वो वापस आएगी आप फिर से ड्रेंचिंग करेंगे वो आगे बढ़ेगी बढ़ती जाएगी तो उस फंगस को धीरे धीरे खत्म करेगी। तो हर बीमारी का इलाज केमिकल से भी ट्रीटमेंट है रूट रॉट का पर वो बहुत महंगा होता है पर आपको कंटिन्यू हर 15 दिन में ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी। एक बार ड्रेंचिंग लोग बोलते हैं जी मैंने तो नीला चूना नीला था ड्रेंचिंग किया मैंने तो जिसकी ड्रेंचिंग की मैंने तो इतनी महंगी दूसरी दवाई लाई उससे ठीक नहीं आप उसको भी 6 बार करके देखो साल में कैसे ठीक नहीं होगा पर हमने वहाँ करना है एक बार पेड़ ऊपर करनी हमने हर 15 दिन में ठीक है ये तो कर लेंगे इसमें क्या है ट्राइकोडर्मा तो सबसे सस्ता इलाज है। दूसरा उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है जो रूट रॉट है वो 2 तरह का होता है जो हम रूट रॉट बोलते हैं डिमेटाफोरा और फाइटोफथोरा हम उसको नहीं पहचानते तो हमारे को सबसे बड़ा फायदा क्या है ट्राइकोडर्मा दोनों पे काम करता केमिकल उसके अलग अलग होते हैं तो हम पहचानते तो है नहीं कि रूट रॉट कौन सा है तो हम कोई डॉक्टर बोलता है जी बेबी स्टेन डाल दो कोई बोलता है डाइथिन डाल दो जो बेबी स्टेन है वो वाइट रूट रॉट के लिए होता है जो डाइथिन है वो होता है फाइटोफथोरा रूट रॉट के लिए अब हमारे को तो पता नहीं है तो इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि ट्राइकोडर्मा डाल वो दोनों के लिए काम करेगा सस्ता भी है ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट भी है बायो प्रोडक्ट है ना जी आपकी सॉइल में कींचू की तादाद भी बढ़ाएगा क्योंकि उसमें जीवन गोबर भी डाला आपने दूसरी चीज कींचू में भी बढ़ेगा बीमारी भी खत्म करेगा और फायदे मिलेंगे आपकी मिट्टी हाँ बिल्कुल मैंने मेरे रूट रॉट नहीं है पर मैंने 1 साल 7-8 बार ट्राइकोडर्मा माइकोरिजा इसकी ड्रेंचिंग की घने लगा रहे हम तो बहुत घने हम तो 3 फुट में आ गए पेड़ों में जी 3-3 फुट पे पेड़ लगाए तो मैंने प्रिकॉशनरी उसकी ड्रेंचिंग कर दी एक बार की तो आगे 5 साल के लिए आपने मिट्टी को उपजाऊ बना दिया बीमारी जो होगी नीले से क्या लॉस है जी नहीं लॉस नहीं है जी मैंने बोला जी आप उसको डालो अच्छा। तो उसका पीरियड है ना जी उसने 15 दिन काम किया जी। उसके बाद खत्म है जी उसके बाद आपकी बीमारी 15 दिन में जहाँ तक वो उसका पानी गया चूने नीले थोते का पानी जहाँ तक गया वहाँ तक उसने बीमारियाँ खत्म कर दी वहाँ से आगे तो बीमारी खत्म नहीं हुई 15 दिन के बाद चूने का असर खत्म है वो बीमारी जब भी दोबारा मॉइस्चर आया मॉइस्चर के साथ वापस आएगी बढ़ेगी ना जी वो तो बीमारी ने तो फंगस ने तो बढ़ना ही नहीं वो वापस आएगी आपने दोबारा ड्रेंचिंग करनी नहीं है चूल्हा नहीं वो बीमारी वापस 1-2 महीने में वापस वहीं पहुंच जाएगी जहाँ से आपने निकाली। केमिकल आप कोई भी डालो चूना डालो 4 बार डालो क्यों नहीं खत्म होगा आने ही नहीं देगा जब उसको वो बढ़ता जाएगा ना तो वो है जी ऐसा तो हम करते हैं कि एक बार डाली तब देख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी ये तो ठीक नहीं होगा नहीं हो पाएगा कोई बीमारी नहीं ऐसी ठीक होगी उसका उसको टाइम लगता है जी ठीक ये हर जगह में देखा मैंने ऑल ओवर देखा चाहे जहाँ मर्जी हमारे एरिया में ना जी सब ऐसे ही जी
फिर आपके एरिया में तो ऐसा ना जी, वहाँ मिट्टी का भी एक अलग गुण है। नहीं मिट्टी तो रेतली भी है जी, प्लस खैर मिट्टी तो हमारे मिट्टी बहुत अच्छी है जी, उपजाऊ है, धूप आप लोगों के पास बहुत अच्छी है जी। ट्राइकोडर्मा अगर आप डाल रहे हो तो आपने गड्ढा गुड्ढा कुछ नहीं बनाना, तने के पास भी डालना है, तौलिए में भी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी, उसको वैसे ही डालो। अगर कोई पेड़ बिल्कुल लग रहा है तो सूख ही गया, उसमें आप बेशक चप्पल से छेद करके, क्योंकि जो लगा कि खत्म ही हो गया उसको, क्योंकि ज्यादा देने की जो है, तने के पास भी डालना, उधर गड्ढे बना के वहाँ। क्या बोलते थे आप? ना तो ये पेड़ कुछ घना नहीं रहा। हाँ जी हाँ जी, इसमें कितना डिस्टेंस रखे ऊपर कोई, ये भैया ये वाला फ्रेम तो बना दिया ना। हाँ जी, ये तो चलो हो गया। वैसे तो नॉर्मली 3-4 इंच से नजदीक में नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि उससे आपका जो है लीटर वीक हो जाता है, तो हो सके तो इतना डिस्टेंस कम से कम। हाँ जी, ये तो साथ साथ, क्योंकि ये तो आपका फ्रेम बन गया ना जी। अब तो मेरा मानना क्या है जी, मैं पेड़ को बहुत ज्यादा नहीं काटता। अगर कोई टहनी आपको लग रहा है मोटी हो भी गई नई पेड़, तो मैं ऐसा नहीं, क्योंकि इतना टेक्निकल हमने जाना नहीं है कि अब मैं उसको काट के मैं बोलूँ इसको दोबारा बनाएंगे हम अगले साल, उतना नहीं। हाँ मेरे को ये पता है कि अब ये मोटा हो रहा है तो इसकी मेरे को ग्रोथ कैसे रोकनी, क्योंकि वो मोटे को क्यों रोकना हमने, क्योंकि वो इसको मारता है। तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मैंने इसकी ग्रोथ कैसे रोकनी है, ये अपने आप भागेगा फिर वो, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा काटने की जरूरत है। रॉयल में तो आप अब जितनी भी आपकी ऐसे नहीं निकालनी फिर एक जगह से, वो आपने एक इधर से निकाली तो दूसरी यहाँ से निकालनी, तीसरी यहाँ से निकालनी, जितना आप डिस्टेंस दे सके उतना फायदा है। एक टहनी यहाँ की मैंने यहाँ से निकाली तो दूसरी यहाँ से निकाल, यहीं से नहीं निकालनी, तभी धूप बैठेगी अगर नहीं तो छाया कर जाते हैं। निचला फ्रेम तो आपका ठीक है क्योंकि उससे नीचे आपके पास टहनी है, ऊपर का जो आपका फ्रेम बनेगा वो आपने कोशिश करनी है यहाँ से है तो दूसरी टहनी यहाँ से हो, तीसरी टहनी यहाँ से हो, इतना गैप तो कम से कम हो। और रॉयल है तो इसमें थोड़ी और ज्यादा गैप होगा, तो इसमें ये दोनों टहनियाँ काटी जाए तो क्या होगा इसका? ये तो खाली में जा रही है, नीचे वाली ना, ये दोनों अगर उड़ा दी जाएगी, ये वाली। हाँ जी, ए और नहीं उड़ा तो सकते भी, मैं तो आप ही केस से, क्योंकि मैंने तो पहले ही बोला कि इससे नीचे तो टहनी चाहिए। नहीं नहीं, तब ये ना जी, अगर इनको दोनों को उड़ा दिया जाए तो इसमें जो है ना डिस्टेंस भी लगभग, इससे नीचे तो आपको वैसे भी टहनी चाहिए नहीं। हाँ जी हाँ जी, जब भी आप पहला कट मारे तभी मैंने बोला 2.5 फुट पे कट मारना जी आप, ताकि क्योंकि 2.5 फीट पे कट लगेगा तो दूसरी तीसरी टहनी यहाँ से निकलेगी, ये वाली तो चाहिए ही नहीं, ऐसे तो बीमारी का घर है। और आपको लग रहा है कि क्योंकि मैंने तो खाली जगह पे जो जा रही है ना जी, जी तो हमने इसको इसलिए नहीं निकालना, अगर ये इसी डायरेक्शन में जा रही होती ना जी, ऐसी ये जैसे जा रही है इसी के ऊपर से ये भी आ रही होती, एक ही डायरेक्शन में अगर दो टेन ये ऐसे निकल गई ना जी, जैसे ये है और यहाँ से भी इसी डायरेक्शन में होती जैसे ये वाली आई है ना जी, है ना जी, अगर ये टेन यहाँ से होती ना ये वाली टेन यहाँ से इसी डायरेक्शन, तो मैं इसको पूरा निकाल देता, ये अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे, हमने इसे टहनी से टहनी बनानी नहीं है जी, बीमा इसी में बनाना है, ऐसे इसमें बनाना है, ऐसे इसमें बनाना है, ऐसे सब भी मैसी बनेंगे जी। रोकनी कैसे, जैसे आप बोल रहे थे कोई मोटा हो गया टहनी, हाँ जी उसको रोकना कैसे? उसको कम टॉप या बिल्कुल कम टॉप दो, उसमें जब बीमा बनेगा ना, छोड़ा था वैसे ना कंपटीशन कर, हाँ जी तो मैंने खाली छोड़ा था, वो वाला इतना मोटा हो गया और मैनेजर वहीं का हूं, अगर तो लग रहा है पूरा इशू खत्म कर दिया उसने, क्योंकि बहुत जगह पे क्या होता है कि ऐसा लगा कि मेरे को ये है इतना भाग गया, इसकी ग्रोथ बिल्कुल कम हो गई है और ये भाग रहा है, फिर तो आपको काटना है उसको। अगर लग रहा है कि ये ग्रोथ कर रहा है, ये भी ग्रोथ कर रहा है, इसकी ग्रोथ नहीं मरी है ना, अगर तो उसको अनटॉप छोड़ दो या कम कर, जब ये ग्रोथ कर रहा हो लीडर, अगर ये ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आपको उसको काट लो, क्योंकि ये जब ग्रोथ नहीं कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली वो सारी ग्रोथ वो खींचेगा, जब ये ग्रोथ कर रहा है तो इसको आप अनटॉप छोड़ेंगे तो इसमें बीमा बनेगा, ये तो ग्रोथ कर ही रहा है, ये अपनी ग्रोथ नहीं छोड़ेगा, जहां आपको लगा लीडर मरने लगा है फिर तो आपको कॉम्पिटिशन सबसे पहले हटाना पड़ेगा, फिर कॉम्पिटिशन नहीं देना क्योंकि वो स्ट्रेस में है, जब स्ट्रेस में नहीं है फिर उसने तो भागना ही है, इसको आपने ऐसे छोड़ दिया हल्का सा काट दिया ऊपर से, इसने तो बीमा बनाना, जब इसमें एक बार बीमा बन गया फिर तो आपके हाथ में, इसको आपको 6 इंच बढ़ाना है 10 इंच बढ़ाना है वो आपके हाथ में, आप उसकी ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करें, जहाँ स्ट्रेस हो जाए लीडर में वहाँ आपको हटाना ही पड़ेगा, फिर तो आपको इतने पोर्शन तक कोई टहना नहीं चाहिए। अगर मेरे को लगता है ये लीडर इतना ही बड़ा इस बार है ना जी, और ये बढ़ रहे होते फिर तो मैं कोशिश करता कि मैं ये भी निकाल दूँ, फिर तो आपको 1.5 फीट तक सारे टहने निकालने ताकि इसको ग्रोथ चले, जब ये चल रहा है फिर आपको दिक्कत नहीं है, फिर आपने उसमें बीमे बनाने, उसको ग्रोथ नहीं देनी है, इसको ग्रोथ देनी है, इसके बीमे हटाने हैं उसके बनाने, वो बैलेंस आपके हाथ में। सर प्रूनिंग का सही टाइम क्या है? प्रूनिंग का भाई ये तो होता है ऑफ ईयर ऑन ईयर पे, वैसे जिस साल ऑफ ईयर हो आपकी आने वाली उस साल आप जितनी लेट प्रूनिंग करेंगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, वैसे तो सही टाइम जनवरी फरवरी है अगर करनी है प्रूनिंग, पर यहां करने पड़ते हैं लेबर के हिसाब से, है ना जी, अगर हम सब लोग सोचेंगे फरवरी में प्रूनिंग करनी है तो आदमी कहाँ मिलेगा,
है ना जी, नवंबर हम बर्फ गिर रही है, हम लोगों को बर्फ से पहले 2 महीने हमारे कोई काम नहीं होना, उससे पहले प्रूनिंग खत्म करनी पड़े। यहाँ तो वैसे टाइम तो फिर जनवरी फरवरी है, पर यहाँ तो बहुत सारी चीजें लेबर को देख के मौसम को देख के करनी पड़ती है। और दूसरा जी, आप जितनी जल्दी प्रूनिंग करते हैं, नवंबर में प्रूनिंग करते हैं, उतना पेड़ आपका वेजिटेटिव की तरफ जाता है। जितनी आप लेट प्रूनिंग करते हैं उतना बीमे की तरफ जाता है। यहाँ तो अवेलेबिलिटी है ना जी, प्रूनिंग वाला मिल भी रहा है, अगला बोलता है जी मेरे तो चार बाबू का काम और पकड़ा हुआ है, करानी है तो कराओ, नहीं तो फिर तो फरवरी में भी टाइम है, वो चीजें देख ली। पर जिस साल लगे, इस साल मेरे बहुत फसल थी, अगले साल मेरे ऑफ ईयर जाने, उस साल अगर आप लेट प्रूनिंग कर सके, जितनी लेट कर सके उतना टाइम। बोरर तो भैया केमिकल तो उतना ही काम कर रहे थे, इसके लिए भी वो मेटरिज्म वगैरह, ग्लोवेरिया बेसानिया वगैरह, इसकी भी ड्रेंचिंग, कोई भी आप प्रोडक्ट करते हैं ये कंटिन्यूस नहीं करते, नहीं उसके साथ नहीं डालना, उसको तो अलग से बना ऐसी डालो, उसको पानी में मिलाओ, उसकी ड्रेंचिंग करो, वो भी आपको कंटिन्यू करते रहनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ आप रूट रॉट के लिए लड़ रहे हो तो वो भी आपको कंटिन्यू करनी है 4-6 बार, उस रूट बोरड के लिए लड़ रहे हो वो भी, दूसरा फिर ये तौलिए नहीं बनानी तुम्हें उसकी, है ना, 1 फुट तक का तो आपने एरिया ये छेड़ना ही नहीं, खोदना ही नहीं कभी नहीं, घास निकालना है कस्सी से ऐसे, फरवे से ऐसे ऐसे निकालना, इसको हार्ड होने देना है इस पोर्शन, जरूरी नहीं है जी, लाल मिट्टी है तो जरूरी है, अगर लाल मिट्टी है ना जी आपके पास, वो क्योंकि सख्त हो जाती है, सख्त भी है, फिर अगर प्रॉपर मॉइस्चर मौसम सही नहीं बरसता है तो रूट्स बढ़ती नहीं, ग्रो नहीं करती, सख्त हो जाती है। अगर आपके पास दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, बिल्कुल मत करवा, जरूरत ही नहीं है, हम मेरे कुछ दोस्त है 8-8 साल हो गए नहीं करते, इसका भी बता दो मोहित भाई, जो मल्च करते ना आप लोग, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल ये चीजें जो सारी इसमें डाल दे, बिल्कुल सारा जो बिल्कुल बिल्कुल, जितना कूड़ा कबाड़ है जी, सारा कूड़ा कबाड़, ये घास बिल्कुल बिल्कुल, जितना आप ये चीजें यूज करेंगे ना जी, उतने आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, जितना केंचुआ बढ़ेगा उतनी आपकी मिट्टी उपजाऊ बनेगी, केंचुआ ही तो आ नहीं रहा खाने, उसको हम ला नहीं रहे, हम बोल रहे थे कि कुंभर नहीं डाल रहे, सूख जाए ना जी अपने को लगेगा ना, स्केल के लिए तो भैया ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, कॉस्टिंग सोडा कर सकते हैं, ये रेगुलर करना पड़ता है भैया, अगर आपको लग रहा है कि मेरे स्केल बहुत ज़्यादा होने लगे तो आजकल जैसे कास्टिक सोडा करते हैं जनवरी के आसपास में ऑयल स्प्रे करो, ऑयल भी आजकल तो 6 लीटर तक करते हैं, वो तो भैया उसी टाइम पे चेक करना पड़ता है, उस टाइम पे ये सिस्टमिक, तो आपको आप तो ये मान के चलो ना कि आप तब तोड़ देते हैं, अगस्त में तोड़ देते हैं, तो आप जून के आसपास में आपको सिस्टमिक चेक करना पड़ता है, जैसे आप डरमिट आता है, डरमिट से माइट बहुत लगता है, तो आप रोकर कर सकते हैं, या दूसरे कोई सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड आते हैं ना जो स्केल पे काम करते हैं, वो आपको करने पड़ते हैं, पर जितने भी आप सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड करेंगे उससे माइट का डर रहता है, तो आपने प्रिकॉशनरी, अगर आपके माइट वहाँ नहीं है ज़्यादा तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपके फिर भी अगर माइट आता है तो आप इंसेक्टिसाइड करके आपको चेक रखना है कि माइट ना आए, तो उसके लिए आपको अंडे वाली जितनी स्प्रे होती है, मेडन वगैरह है, ओबेरॉन है, उसकी स्प्रे आप उसके अगली स्प्रे में 10-15 दिन में, हाँ जी हाँ जी, अब तो काफ़ी सारे केमिकल्स हैं मार्केट में, कॉम्बिनेशन आते हैं, पर बहुत दिक्कत क्या होगी जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है जी, मई जून वाला टाइमिंग वही है जी, मई एंड जून के आसपास में वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तब वो जुलाई अगस्त में आपके फूट पे दिखना शुरू हो जाता है, एक समय किलो टिप पे कर सकते हैं, किलो टिप पे कर सकते हैं।
सिल्वर टिप पे उतना, सिल्वर टिप पे तो आप ऑयल उल कर ही रहे, मेनली तो ऑयल के साथ आपको इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑयल क्या करता है, सफोकेट करता है, सफोकेट करता है सबको, मार तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप इंसेक्टिसाइड। हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे को टेम्परेचर नहीं पता, नॉर्मली इसके लिए 3-4 degree टेम्परेचर अगर रात का रहता है तो फिल्म पड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं कि साथ में उसके इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं ताकि कुछ है इससे भी मर जाए, ऑयल से मर गया तो इससे मर जाए। ओली एफेड नहीं डालना, मैं तो स्केल के जिसके तो ओली एफेड उसको तो इंसेक्टिसाइड करना ही पड़ेगा, उसको तो करना ही करना। कैंकर भैया पहले तो आपकी कैसी फाइट है, मिट्टी कैसी है, कैंकर क्यों आ रहा है, टहने टूटने की वजह से आ रहा है कि वैसे ही आ रहा है ना, कि वैसे ही आ रहा है, तो उसमें कैंकर का सबसे बड़ा जो कारण रहता है, एक तो आपकी सॉइल का पीएच सही है, सॉइल का पीएच बहुत सारी चीज़ों के लिए जरूरी होता है, सॉइल टेस्ट करवाना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे, आप सॉइल का अगर आपका पीएच लो है एसिडिक की तरफ है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपके काम नहीं करते, न्यूट्रिएंट्स काम नहीं करते तो पेड़ स्ट्रेस हो जाता है, धूप वाली जगह में ऑटोमेटिकली वैसे भी प्लांट स्ट्रेस होता है क्योंकि वाटर लेवल कम हो जाता है, मॉइस्चर नहीं मिल पाता, नहीं वाटर रिटेन नहीं होता, तो आपको नॉर्मली वहाँ पर पूरी खुराक नहीं मिल रही होती, तो प्लांट जब स्ट्रेस चला गया तो इसीलिए सबसे पहले तो आप सॉइल टेस्ट, अगर आपका सॉइल एसिडिक है तो उसको ठीक करो एक बार, फिर उसमें जितना आप ह्यूमस ऐड कर सको, ऑर्गेनिक कार्बन ऐड कर सकते हैं उतना ज़्यादा फायदा है। ना ना है जी, क्या पार हमारे अल्ट्रासाउंड होता है जमीन का भी होता है, अगर बहुत करते हो इसका एक लेवल है जी, आप 15-20% से ज्यादा समर्पण नहीं कर सकते।